हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली पर सभी माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है और रिद्धि सिद्धि कौन है, साथ ही दिवाली पूजन में शुभ और लाभ क्यों लिखा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं क्यों। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगलदाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था, तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार माता की पूजा पाठ करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक माता अपूर्ण है। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि वे लंबे समय से अपूर्ण है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती, तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती और निसंतान होने के कारण ही वे अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र ना होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी उनकी पूजा के साथ गणेश जी की पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है।